हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त ईश्वर जैन। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू क्लीन द इंजन बे ऑफ द कार। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा इंजन बे इस पर अच्छी खासी डर्ट की लेयर है। तो इंजन बे को आपने देख लिया बहुत गंदा है। अब जान लेते हैं कि इंजन बे को साफ़ करना क्यों ज़रूरी है। तो जब भी हमारी गाड़ी का इंजन गंदा होता है, तो ये जो आप डर्ट देख रहे हैं ये, और अगर आपकी थोड़ी गाड़ी पुरानी है तो आपकी गाड़ी में कहीं पे कुछ ऑयल या ग्रीस लीकेज होगा, या फिर अगर लगा होगा तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ऑयल, डर्ट और ग्रीस, ये तीनों इंसुलेटर की तरह काम करेगी और आपके इंजन को ज़्यादा जल्दी ठंडा नहीं होने देगी। अब गाइस, इंजन ज़्यादा ठंडा जल्दी नहीं होगा तो इससे आपको चार बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। पहला और सबसे मेन प्रॉब्लम वो है इंजन ओवरहीटिंग। अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स में जाएंगे तो आपका इंजन बहुत ही ज़्यादा ओवरहीट हो जाएगा। जो दूसरा पॉइंट है, जो आपका इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, ये आपकी गाड़ी में वाटरप्रूफ बनाए जाते हैं कंपनी ने, वो लेसर वाटरप्रूफ होते जाएंगे और आपकी गाड़ी के जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो बिगड़ने के भी चांसेस हैं। और फिर आपके ये जो होजेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अलग अलग टाइप के होजेस, ये भी जल्दी से जल्दी वियर आउट हो जाएंगे और फिर इसमें भी पानी जाने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपकी इंजन को प्रॉब्लम हो सकता है। सो गाइस, ये थे थ्री मेन प्रॉब्लम। और गाइस, जो फोर्थ मेन प्रॉब्लम है वो कि अगर आप किसी दिन गाड़ी चला रहे हो और आपको इंजन का कोई मिसबिहेवियर दिखे, अगर आपकी एसी जितनी कूलिंग देती थी उतनी कूलिंग ना दे रही हो, या फिर अगर आपकी ब्रेक पैड्स सही से वर्क ना कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो गाइस अगर आप एक गंदा इंजन बे होगा आपका, तो आप ऐसे विजुअली आंखों से इंस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे कि कहीं पे कोई लीकेज है या नहीं। लेकिन वहीं पे अगर आपका इंजन में साफ़ सुथरा होगा तो आप आंखों से अपनी देख पाएंगे कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो गाइस, इंजन बे को साफ़ करने से पहले हम थोड़ी बात जानना ज़रूरी है। तो इंजन बे को साफ़ हम गर्म इंजन में भी कर सकते हैं या ठंडे इंजन में भी, लेकिन गर्म इतना होना चाहिए कि आप देख सकते हैं हर एक कंपोनेंट्स पे आप अपना हाथ रख के, ये अभी गर्म है तो अभी हम 5-10 मिनट रुकेंगे, हर एक कंपोनेंट में हाथ रख के देखिए। अगर हर एक कंपोनेंट पे आप 3-4 सेकंड तक हाथ रख सकते हैं तो आपका इंजन में सेफ है वर्क करने के लिए। और गाड़ी का इंजन में वाटरप्रूफ बनाया जाता है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़े तो फ्लॉज होंगे। तो आप जैसे कि ये देख सकते हैं अल्टरनेटर, तो गाइस आपको इस अल्टरनेटर को किसी भी पॉलीथीन से या किसी से भी पैक कर सकते हैं। ये अल्टरनेटर हो गया, ये ABS हो गया, लेकिन मेरी टेक्निक को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको उसको भी कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं चार चीज़ से आपको इंजन में साफ़ करना सिखाऊंगा। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं वो चार चीज़ क्या है। सो गाइस, वो चार चीज़ें ये, एक तो आपको वाटर, एक ये जो वाटर स्प्रे है उसमें रख लेना है। फिर आपको एक माइक्रोफाइबर क्लोथ, अगर आप माइक्रोफाइबर क्लोथ आपके पास है तो वो यूज़ करें, वो बेस्ट रहेगा। फिर ये कोई भी पुराना टूथब्रश, और अगर आपके पास डिटेलिंग ब्रश है तो वो, वरना ये सिंपल ब्रश भी कर सकते हैं। बोर हेयर वाला ब्रश नहीं होगा फिर भी आपका काम चल जाएगा। तो गाइस चलिए चलते हैं हमारे इंजन बे की तरफ और देखेंगे कि कैसे इसको साफ़ करते हैं। तो वापस से हम आ गए अपने इंजन बे की तरफ। और इंजन बे को साफ़ करने से पहले इसमें थ्री मेन स्टेप्स का आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला जो है वो है प्रिपरेशन स्टेप। अगर आप एक्सेसिव वाटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो कवर करना पड़ेगा पॉलीथीन से, लेकिन अगर आप मेरी मेथड से यूज़ करेंगे तो आपको पॉलीथीन से कुछ भी कवर करना नहीं पड़ेगा। जो सेकेंड स्टेप है वो है ड्राई क्लीन। अब ड्राई क्लीन में क्या होता है कि आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो ऊपर से जो मिट्टी लगी हुई है उसको निकालने का है, जो मिट्टी ऊपर से लगी हुई है उसको, सिर्फ जो उड़ सकती है वैसी मिट्टी। जो सेकंड स्टेप है वो है वेट क्लीन। अब वेट क्लीन में भी दो आपको आ जाते हैं मेजर। पहले तो जैसे कि अगर मेरी गाड़ी नहीं है तो इसमें कोई भी ग्रीस या ऑयल लीक नहीं है, तो मुझे सिर्फ पानी से रब करके साफ़ कर देना है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में ऑयल या ग्रीस लगा हुआ है तो उसके लिए मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक मेजर टिप बताऊँगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हमारा इंजन बे। तो गाइस, हमेशा आपका इंजन बे साफ करने से पहले आप एक साइड से चालू करें, अगर राइट से आप लेफ्ट में या फिर लेफ्ट से राइट में जाए, मैं चालू कर रहा हूँ लेफ्ट से। तो गाइस पहले आपको क्या करना है, जो आपका टूथब्रश है उससे ही आपको साफ कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले आपको जो डर्ट है वो सारी लूज कर देनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी डर्ट आपको सिर्फ लूज करनी है। और अगर ब्रश से काम ना बन रहा हो तो आप अपना
ये वाला ब्रश भी ले सकते हैं जिससे आपको आसानी होगी काम करने में। हर एक जगह पे सिर्फ आपको जो डर्ट है आपकी, जो सरफेस आप डर्ट बोल सकते हैं, उसको ही लूज करते जाना है। तो गाइस एक बार आप डर्ट लूज कर देते फिर आप अपना माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लीजिए और उससे सिर्फ डर्ट को नीचे उतार दीजिए या फिर ऐसे आप उसको निकाल दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। तो गाइस मैं पूरा पैनल दिखा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक पार्ट में आपको दिखा देता हूँ। अगर ऐसे नीचे कोई जगह है जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है तो ये बहुत बड़ा है, इसमें ब्रश मत यूज करिए। इसमें आप क्या कीजिए, अपना माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके सिर्फ ऐसे आप इसको खींच लीजिए और साफ करते वक्त ये ध्यान रखिए अपनी जो पानी वाली पाइप है ये डैमेज ना हो। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अभी सिर्फ अपनी जो सरफेस डस्ट थी उसको ही निकाला है और अभी से ही हमारी गाड़ी का जो इंजन भी है वो ऐसे परफेक्ट जैसे दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, जो अगर आप एक्सेसिव वाटर यूज करते हैं तो इस साइड ये जो आपका अल्टरनेटर है उसको आपको कवर कर देना है। अगर आप नहीं यूज कर रहे एक्सेसिव वाटर और अगर आप ऐसी एक स्प्रे में वाटर यूज कर रहे हैं तो आपको उसको कवर नहीं करना है। और क्या करना है आपको, सिर्फ इसमें ज्यादा पानी मत डालिए, दूर दूर से सिर्फ ऐसे पानी डाल दीजिए। अब इसको 5-10 मिनट सूखने दीजिए और फिर से पानी डालिए। तो गाइस जैसे कि आपने देख सकते हैं 5 मिनट रह के मैंने फिर से ये जो स्प्रे है वो डाल दिया है। तो गाइस ज्यादा एक्सेसिव स्प्रे यूज मत कीजिए। अब आप अपना माइक्रोफाइबर क्लॉथ लीजिए और फिर से सिर्फ एक बार इसको पोंछ डालिए अच्छे से। और गाइस हाँ एक चीज मत भूलना, ये जो आपके सस्पेंशन स्टड है इधर आपकी गाड़ी जब पड़ी रहती है तो इधर जो रस्ट आ जाता है उसको आप मेटल वायर ब्रश लेके भी साफ कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हमारे में ज्यादा रस्ट है तो हम इसकी नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। अब गाइस आप हर एक जगह से सिर्फ ये आपका जो पानी है उसको ले ले और गाइस ट्राई करें कि जितना डर्ट हो सके उतना निकले। अगर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, ऑयल डर्ट या ग्रीस है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो मैंने पहले बताया विम वाला, तो विम वाला वाटर लेके फिर से आप ऐसे स्प्रे वाले बोतल में भर के उसको स्प्रे करके फिर से आप ये दोनों ब्रश का यूज करके एजिटेट कर दीजिए और फिर इसको जैसे कि हम पानी से डाल के फिर से आप पोंछ सकते हैं। गाइस थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जब आपको रिजल्ट्स आएंगे तब आपको अच्छा लगेगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं आपका ये वाला हिस्सा देख लीजिए, यहाँ पे आपको डर्ट और वो सब दिखेगा, ये वाला हिस्सा आप देख लीजिए, ये वाला आप कंपेयर करें और इस वाले से। तो गाइस अभी ये हिस्सा मैंने सिर्फ पानी डाला है और वो भी आपका जो एक्सेसिव वाटर यूज नहीं किया है, थोड़ा सा इस ये जो छोटी सी स्प्रे बॉटल है उससे डाला है और इंजन बहुत ही अच्छा दिख भी रहा है और आप जैसे कि देख सकते हैं सारी डर्ट लूज हो गई। तो गाइस ये एक बिगिनर स्टेप था कि आप अपनी गाड़ी का इंजन में कैसे साफ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको डर्ट निकालना है फॉर द पर्पस कि आपकी गाड़ी में जो चार मेन प्रॉब्लम मैंने दिखाए वो ना हो, सिर्फ उसी मकसद से आपको ये साफ करना है। अगर आपको डिटेलिंग करना है लाइक हैवी प्रोडक्ट से ये जो आपकी ब्लैक वाली पट्टियां है ये सब, तो सर गाइस उसके डिटेलिंग के लिए मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम हैवी प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमने क्या यूज किया, ये गाइस एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ये आपकी एक छोटी सी स्प्रे बॉटल और दो ब्रश, ज्यादा कुछ यूज नहीं किया और आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, रिजल्ट्स एकदम परफेक्ट आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम क्लीन है, ये थोड़ा रहेगा इसको हम क्लीन कर देंगे। ये वाला आपका ABS है, ये वाला आपका जो हॉर्न है जो अनलॉक करने पे, तो उसमें ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है।
और गाइस इस साइड अगर आप बैटरी में हैं तो गाइस मैं आपको बैटरी का भी दिखा देता हूँ। तो गाइस बैटरी के जो ये वाला है, अगर आपकी गाड़ी में ये वाला जो है कवर्ड है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बैटरी पे भी डाल सकते हैं, लेकिन इस पे नेगेटिव वाले पे ज्यादा मत डालिएगा। और ये आपका जो फ्यूज बॉक्स है इस साइड हम डाल देते हैं, लेकिन गाइस ट्राई करें कि ज्यादा नजदीक ना डालें, सिर्फ दूर से ही आप ऐसे स्प्रे कर दें। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, तो गाइस जैसे कि आप इसको उठाएं तो ये जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल वाला होता है आप देख सकते हैं, तो उसमें थोड़ा ऊपर थोड़े पार्टिकल्स ऑक्सीडाइजेशन होके जमा हो जाते हैं। तो मैंने ये पहले भी क्लीन कर दिया है, लेकिन मैं फिर से क्लीन कर देता हूँ। तो गाइस इस वाले ब्रश को ऐसे लेके आप एजिटेट कर ले, मैंने पहले कर दिया फिर भी थोड़ा जमा हुआ था इसलिए मैं कर रहा हूँ। और बाद में आप इसको जब ये पूरा क्लीन हो जाए तो इसको एक माइक्रोफाइबर आप अपने हाथ से ज्यादा मत टच करें, माइक्रोफाइबर क्लोथ से लेके कोई भी पेट्रोलियम जेली लाइक वैसलीन, और फिर से बता देता हूँ पेट्रोलियम जेली क्रीम नहीं, वो लगा दे तो ये होगा। तो गाइस जैसे कि आपने देखा इंजन भी क्लीनिंग करना बहुत ही साफ है, सिर्फ थोड़ी आपको प्रिकॉशंस रखने, दो स्टेप फॉलो करने, और प्रोडक्ट्स में सिर्फ चार चीज यूज करनी है जो आपके घर में आसानी से मिल जाएंगी। माइक्रोफाइबर क्लोथ ना हो तो भी आप नॉर्मल क्लोथ से कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर ये यूजफुल लगा और आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ शेयर करने की इच्छा हो तो शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को ऐसे ही कार टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।